तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi का डिवाइस है और Redmi के डिवाइस में जैसे आप फ़ोन को लॉक करते हैं और फ़ोन को लॉक करने के बाद अगर आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट देते हैं तो फिंगरप्रिंट देने के बाद देख सकते हैं फ़ोन तो यहाँ पे अनलॉक हो रहा है। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन में यहाँ पे पैटर्न देते हैं और अगर आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हैं तो फिंगरप्रिंट से ये जो एप्लीकेशन है ओपन नहीं होता है। तो जितने भी एप्लीकेशन में अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल के रखा हुआ है और उस एप्लीकेशन में अगर आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट को डालते हैं तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे अगर आप यहाँ पे फ़ोन को लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है और इस पैटर्न को अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो वो पैटर्न यहाँ पे शो नहीं होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है पर फोन यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अगर आपको पैटर्न को यहाँ पे विजुअल करवाना है, पैटर्न को दिखाना है, कैसे दिखा सकते हैं, साथ में एप्लीकेशन में अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा तो एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट को कैसे इनेबल कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं स्क्रीन लॉक यहाँ पे मेरा ऑन किया हुआ है, साथ में फिंगरप्रिंट को मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है, दोनों मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो फिंगरप्रिंट अनलॉक वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे टैप करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैटर्न डाल देना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे पैटर्न डाल देता हूँ, जो पैटर्न मैंने यहाँ पे डाला है, मैंने यहाँ पे अपना पैटर्न को यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जैसे जाइएगा तो यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन को आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड को ऑन कर दे, प्राइवेसी जो भी पासवर्ड है उसको भी आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट से ऑन कर पाइएगा। और साथ में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स लॉक का, इस ऐप्स लॉक को आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो जितने भी एप्लीकेशन है उसमें अगर आप इसको इनेबल कर दीजिएगा तो उसमें आप फिंगरप्रिंट से भी उसको ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये अगर आपको ऑन नहीं किया हो तो सिंपली आप इसको ऑन कर ले, यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना। देखिए यहाँ पर इनविजिबल दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है शो पैटर्न, तो अगर आप इसको इनेबल कर दीजिएगा तो उसके बाद जो भी आप यहाँ पे पैटर्न दीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपने क्या पैटर्न डाला है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको ये इतना काम करना है। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे में अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, इसको भी आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप दोस्तों यहाँ पे यूज़ कीजिएगा तो उस एप्लीकेशन में अगर आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट यूज़ कीजिएगा तो फिंगरप्रिंट यूज़ करके उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में अगर आप यहाँ पे पैटर्न देते हैं तो वो पैटर्न देखिए यहाँ पे विजुअल होता है और पैटर्न आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे क्या पैटर्न डाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।